समूह से जुड़ी महिलाएं दीपावली के त्योहार के लिए गाय के गोबर से खास तरह के दीयों का निर्माण कर रही हैं, जो कि लोगों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के समीप सरस मार्केट, कलेक्ट्रेट तथा विकास भवन में स्टॉल लगाकर महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से बने दीयों की मार्केटिंग की जा रही है। समूह से जुड़ी महिलाएं आशा खेतवाल, पुष्पा जोशी, प्रेमा कोरंगा, अनीता जनोटी बताती हैं कि जिला प्रशासन के सहयोग से गोबर के दिए बनाने की शुरुआत की गई है। दियों को रंगों से भी सजाया जा रहा है। इधर मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि महिला समूहों द्वारा गोबर के दिए बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लोगों से अपील की है कि वो इस बार दिवाली में गोबर के दिए ही इस्तेमाल करें। जैसे कि आप सभी को पता है, दीपावली बहुत नज़दीक आने वाली है। अभी 8-10 दिन के बाद तो दीपावली में सभी लोग जो है दिए जलाते हैं, अपने घरों में मोमबत्तियां जलाती हैं। तो हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा, मॉडल क्लस्टर आरए के द्वारा जो है सरस केंद्र बागेश्वर में गोबर के दिए, जो पहाड़ी हमारी गाय बद्री गाय है उसकी गाय के गोबर के जो है दिए यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, और जो 2-3 दिन के बाद जो है यहाँ पर बेचने योग्य हो जाएंगे। और हमारा जो सरस केंद्र बागेश्वर है, यहाँ पर से आप लोग दिए खरीद सकते हैं। और हमारा एक आउटलेट जो है विकास भवन बागेश्वर में है, वहाँ पर भी हमारे दिए लगेंगे। तो आप सभी लोग मतलब यहाँ से दिए जो है अच्छे कीमत में जो है पहाड़ी जो हमारे गाय के गोबर के दिए हैं उसको आप यहां से खरीद सकते हैं। तो यहां पे जो समूह की महिलाएं सरस मार्केट के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, चाहे पहाड़ी उत्पाद से हो या अब दीपावली बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो हमने यहां पे जैसे ये दिए हैं, ये गोबर के दिए हैं, इनको तैयार करने में टाइम लगता है। तो ये दिए तैयार होकर यहां पे अभी इनकी रंगोली की जा रही है। क्योंकि मैं तो सभी से कहती हूँ कि अपने घरों में यानी गोबर के दिए उसे जलाएं, ये बाहरी चाइनीज माल न जला के हमारे जो समूह की महिलाएं यहाँ पे बना रहे हैं ये दिए का आप प्रयोग करें। तो यहाँ पे सभी महिलाएं जुड़ी हैं, यहाँ पे समूह की जितनी भी महिलाएं सभी जुड़ी हैं। और इस ये आजीविका जो हमारी आर्थिक रूप से मजबूत होगी हमारी जो समूह की महिलाएं हैं, तो हर प्रकार के दिए यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले तो गोबर के दिए जो कि बहुत अच्छे लगे हैं मुझे भी, और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर में अवश्य गोबर के दिए जलाएं। और जो यहाँ पे अगर आपको ये दिए खरीदने हैं तो आप बागेश्वर अस्पताल के समीप सरस मार्केट के अंदर ये दिए आपको मिलेंगे, और विकास भवन में इसका स्टॉल लगेगा वहाँ पे भी आपको ये दिए मिलेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है आप ये दिए जरूर खरीदें। मैं अनीता जनोटी, हम समूह में जुड़े हुए हैं और हम ये दिए बना रहे हैं गोबर के, और हमने छोटी सी शुरुआत की है ये गोबर के दिए से। आप लोग ये दिए खरीदें, अगर इस बार हमें अच्छा परिणाम मिला तो अगली बार हम बड़े पैमाने में इनको बनाएंगे। मेरा नाम पुष्पा जोशी है, मैं ऊर्जा CLF मॉडल क्लस्टर में ग्रुप मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। आज ये महिलाएं यहाँ पर गाय के गोबर से जो हमारे शुद्ध मतलब प्योर गाय होती हैं उनके उसके गोबर से दिए बना रखे हैं और उसमें पेंटिंग कर रही हैं। और इस ये हमारे विकास भवन में आउटलेट के माध्यम से ये स्टॉल लगाएंगी, और इसका उत्पाद जैसे ही हम देखते हैं कि आगे को हाँ ये हम आगे को जब हम ये व्यापार करेंगे, स्टॉल लगाएंगे, बड़े पैमाने पर हम व्यापार करेंगे, तो ये आपका सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है हमारा। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।